हेलो दोस्तों, मेरा नाम है उस्मान अली। आप देख रहे हैं नेक्स्टेक फाइंडर। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने लगा हूँ नोकिया का कोई भी मॉडल, नोकिया 3, नोकिया 2, नोकिया 5, नोकिया 6, नोकिया 8, नोकिया 9, इससे आगे जो भी 10, 11, जो भी नोकिया के मॉडल आएंगे उनके ये मैं बताने लगा हूँ। एक इसमें एक प्रॉब्लम आ रहा है, इनकी बैटरी होती है फिक्स, ठीक है। तो बैटरी फिक्स होने की वजह से मोबाइल हमारा हैंग हो जाता है, हम बैटरी निकाल के मोबाइल अपना चला नहीं सकते। तो अब देखें, बिल्कुल मेरा मोबाइल ब्लैक हो गया, कुछ वर्क नहीं कर रहा। तो मैं आपको इसका तरीका बताऊंगा कि आप इसे कैसे ऑन कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, कर लीजिए। मेरी लेटेस्ट वीडियो जो भी हुआ करेगी आपको मिलती रहेगी। तो आप देख सकते हैं नोकिया, सब नोकिया एक ही जैसे सेम होते हैं। इसकी बैटरी फिक्स है, बैटरी बाहर नहीं निकलती। अब ये मेरा मॉडल स्टक हो चुका है बिल्कुल ही, मैं कुछ भी कर रहा हूँ तो ये ऑन नहीं हो रहा, ठीक है। इसके लिए आपने सिंपली सा एक करना है, तो सिंपल सा आपने पावर बटन और वॉल्यूम बटन डाउन वाला, ठीक है, आप ये देखते हैं पावर और वॉल्यूम डाउन वाला आपने एक साथ दबाने हैं इसके। बस सिंपली सा आपने यही करना है, आपका फ़ोन जो स्टक हुआ होगा वो ऑन हो जाएगा। मेरा बिल्कुल भी नहीं कर रहा, मैं कुछ भी दबा रहा हूँ, नहीं वर्क कर रहा, ठीक है। अब मैं दबाता हूँ पावर डाउन और पावर बटन, वॉल्यूम डाउन बटन और पावर बटन मैं एक साथ दबाता हूँ, प्रेस करके रखने हैं, ठीक है। मैं इनको प्रेस करके रखता हूँ, तो यहाँ पे देखेंगे आप, एक सेकंड दो सेकंड बाद मेरा फ़ोन वाइब्रेट करके ऑन हो जाएगा, ठीक है। ये मोबाइल मेरा स्टक हुआ पड़ा था, अब जैसा वैसी हालत में था वैसी आ जाएगा, इसमें ना ही हमारा कोई डाटा डिलीट होगा ना कुछ। दोबारा बताता हूँ, पावर डाउन, वॉल्यूम डाउन बटन और पावर बटन आपने एक साथ प्रेस करके रखना है। आपका नोकिया का कोई भी मोबाइल जो हैंग हो गया हो, कुछ भी ना दे रहा हो, कॉल आ रही हो, कॉल जा रही हो, भरल डिस्प्ले ना दे रहा हो, आप यही जो मेथड मैंने आपको बताया है आप ये यूज़ करके अपना फ़ोन दोबारा से वैसे की हालत में ला सकते हैं। तो दोस्तों, मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर कर दीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो फुल देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।